This is my third video of regional kingdoms, and in this video I will explain you Ghaznavids and Ghurid dynasty. Ghaznavids and Ghurid dynasty हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमने regional kingdoms में ये तो पढ़ लिया था कि medieval period में 7th century से 9th century में India के जो north के regions और जो south के regions थे वहाँ पे के rulers और किन kingdom के dynasties rule करते हैं ये हमने सारा डिस्कस कर लिया था. हमने सारा इंडियन रूलर्स के बारे में पढ़ा था. बट जैसे हम यहाँ मेडिवल पीरियड को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा मेडिवल पीरियड है ये 7th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक इंडिया में था. इन 1100 ईयर्स में इंडिया में अदर कंट्रीज से भी कुछ डायनेस्टीज ने इंडिया में रूल किया था और एक न्यू रिलीजन को उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था. उसके बारे में भी यहाँ आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ. जैसे गजनवी डायनेस्टी में आपको बताने वाली हूँ, गजनवी डायनेस्टी मतलब इन 10th सेंचुरी टुर्किश कॉन्करर कैप्चर्ड गजनी. 10th सेंचुरी की बात है. एक तुर्की का रहने वाला एक कॉन्करर था, एक रूलर था जिसने गजनी को कैप्चर भी किया था. गजनी जो कि अफगानिस्तान का पार्ट हुआ करता था उसे कैप्चर किया और वहाँ पर एक डायनेस्टी फॉर्म की एंड फाउंडेड द गजनवी डायनेस्टी. और गजनी को कैप्चर करके उसने एक डायनेस्टी बनाई जिसका नाम था गजनवी डायनेस्टी. और उस रूलर के नाम था सुल्तान महमूद गजनी के नाम से भी जाना गया था. अब जब इसने गजनवी डायनेस्टी का ये सुल्तान था तब इसने देखा कि इंडिया में कितनी डिसयूनिटी है. डिसयूनिटी क्यों? क्योंकि अलग अलग रीजन्स के अलग अलग रूलर हैं. कंट्री तो काफ़ी बड़ी है बट अलग अलग डायनेस्टीज यहाँ पे जो है रूल कर रही थी और अलग अलग टेरिटरीज के प्रोविंसेस के रूलर्स अलग होते थे और फिर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं. को नोटिस किया और उसे पता चला कि इंडिया जो है काफ़ी रिच और काफ़ी वेल्दी है. तो इसके लिए उसने इंडिया में जो है महमूद रेडेड इंडिया 17 बार उसने इंडिया में अगर देखा जाए तो अटैक किया था. रेड डाली थी कब? रिपीट 1000 AD से लेकर 1027 AD के बीच में उसने 17 टाइम्स इंडिया पे रेड किया था. रेड करने का कारण क्या था? इंडिया के कुछ टाउन्स ऐसे थे, कुछ सिटीज ऐसे थे जो काफ़ी रिच हुआ करती थी और वहाँ पर जो टेम्पल्स होते थे वो भी काफ़ी रिच हुआ करते थे. जैसे कि अटैक ऑफ कन्नौज इन 1018 AD उसने कन्नौज पर अटैक किया जो काफ़ी रिच सिटी और टाउन हुआ करती थी. इंडियन डायनेस्टी भी कन्नौज को क्या करना चाहती थी? अपने कैप्चर में करना चाहती थी, इसलिए वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे. इसका बेनिफिट जो है महमूद गजनी ने भी उठाया था, उसने भी वहाँ पर अटैक किया. देन फिर उसने सोमनाथ टेम्पल जो भी गुजरात में वहाँ पर उसने अटैक किया था 1025. वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने चुरा के ले गया था. बहुत क्योंकि टेम्पल काफ़ी रिच था तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें उसने क्या करी? चुरा कर ले गया. तो ऐसे 17 टाइम्स उसने देखा गया था इंडिया में रेड किया था. उसके बाद ये कि वापस ये लौट गया, वापस दोबारा ये नहीं आया. 150 ईयर्स तक इंडिया में कुछ नहीं हुआ. बट यहाँ पे कुछ अलग डायनेस्टी और कुछ अलग रिलीजन के लोग जरूर देखने को मिले. ठीक है, अब 150 ईयर्स से क्या हुआ कि अब आते हैं ग्रीड्स. इंडिया में महमूद गजनी के आने के बाद 150 ईयर्स तक कोई नहीं आया अलग डायनेस्टी अलग कंट्री से. बट फिर आफ्टर 150 ईयर ऑफ महमूद्स इन्वेंशन मतलब महमूद आया उसके आने के 150 साल बाद मोहम्मद और घोर अटैक इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम्स रूल इन इंडिया. अब आती है बारी मोहम्मद गौरी की जो कि मोहम्मद थे घोर के. घोर भी अफगानिस्तान में आता है, वहाँ के मोहम्मद थे. इन्होंने इंडिया पर अटैक किया और इंडिया पर अटैक करने के बाद में इन्होंने इंडिया में मुस्लिम रूल की शुरुआत की थी. अब यहाँ लोगों को ये भी पता चला कि ये भी न्यू रिलीजन है और ये एक अलग धर्म के लोग हैं. ठीक है, तो इस तरीके से की शुरुआत हमारी कंट्री में हुई. नाउ फिर अब मोहम्मद जो गौरी थे उन्होंने धीरे धीरे इंडिया के पार्ट्स पर अटैक करना शुरू करा, जैसे कि सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ जहाँ पे राजपूतों का रूल हुआ करता था. चौहान होते थे, परमार होते थे, सोलंकी होते थे, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डायनेस्टीज होती थी राजपूतों की. तो पहले इन्होंने उनके साथ वॉर करना शुरू करा, उन पर अटैक करना शुरू करा और उनकी जगह को जीतना शुरू करा. ऐसे ही फिर आता है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान उसमें दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे. मतलब दिल्ली जो थी उनके कब्जे में थी, दिल्ली के राजा हुआ करते थे. साथ साथ में अगर देखा जाए तो अजमेर भी कुछ देख रहे थे, अजमेर के भी राजा थे. तो ऐसे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में पहला युद्ध हुआ था बैटल ऑफ थाना और ये हुआ था 1911 जिसमें पृथ्वीराज
और जब मोहम्मद गौरी हार गया तो वो दोबारा अपने प्लेस पे अपने रीजन पे चला गया था अफगानिस्तान में घोर, वहाँ से वो आया था। बट इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर एक साल बाद वो वापस आया इंडिया पर और फिर उसने इंडिया पर अटैक करा। बट इस बार वो लार्ज आर्मी लेकर आया था, एक बहुत बड़ी आर्मी को लेकर आया था। और फिर बैटल हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ टायरान, टायरान पर दोबारा युद्ध हुआ, दूसरा 1912 में हुआ था। अब उसके पास आर्मी लगा थी तो पृथ्वीराज चौहान से क्या हुआ, हार गए थे, उन्हें कैप्चर कर लिया गया था, मतलब उनको अलग पकड़ लिया गया था, बंदी बना लिया था। और मोहम्मद गौरी इस तरीके से अगर देखा जाए तो जीत गए थे। और अगर पूरा जो है दिल्ली जो है, दिल्ली पे उनका कब्जा हो गया था और इस तरीके से। बट मोहम्मद गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर करके उन्हें आंखें फोड़ दी थी, तो बाद में उनको मार भी दिया था। लेकिन दिल्ली की सुल्तान करने के बाद में वो दिल्ली पे उन्होंने रूल नहीं किया, उन्होंने उनका एक स्लेव था, एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने दिल्ली का सुल्तान बनाया और वो दोबारा अपने रीजन अफगानिस्तान चले गए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारी कंट्री में फिर एक अलग डायनेस्टी की शुरुआत हुई, स्लेव डायनेस्टी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। बट जैसे हम यहाँ पढ़ रहे थे रीजनल किंगडम्स के बारे में, इंडिया के लोकल किंगडम्स के बारे में कैसे वो रूल कर रहे थे, बट कैसे अदर कंट्रीज से कुछ डायनेस्टीज आई और उन्होंने आकर इंडिया में रूल करना शुरू करा था। तो यहाँ हमने उस टॉपिक को क्लियर करा कि गजनवी, महमूद गजनवी एंड देन फिर आया था मोहम्मद गौरी, कैसे इन्होंने इंडिया पे कब्जा करा, कैप्चर करा। तो ये यहाँ पर तक खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 2, द रीजनल किंगडम्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो स्लेव डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो आगे हम स्लेव डायनेस्टी को क्लियर करते हैं। थैंक यू।